ঘাটপাড়ার বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং সম্প্রতি লাউডস্পিকারে আজান বন্ধের দাবিতে হাইকোর্টে একটি পিটিশন জমা দেন। বিজেপি সাংসদের এহেন আচরণে সংখ্যালঘু সমাজ তো বটেই, এমনকি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই পিটিশনের বিরোধিতায় প্রতিবাদ সভা শুরু হয়ে গেছে। তারই মাঝে 24 আওয়ার্স টিভির বিশেষ সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট সমাজসেবী শেখ গোলাম রব্বানী জানালেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। বিজেপির সাংসদকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, অর্জুনের হয়তো আজানে অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু অনেকেই এই আজানের ফলে লাভবান হন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতুহু, নমস্কার, ভেরি গুড ইভিনিং টু অল দ্য ভিউয়ার্স অফ 24 আওয়ার্স টিভি, জনতা হিন্দুস্তান অ্যান্ড দ্য ডিকে নিউজ। আই হার্টলি ওয়েলকাম এভরি ওয়ান অ্যান্ড থ্যাংক ইউ গোলাম রব্বানী সেজ থ্যাংক ইউ টু এভরি ওয়ান হু হ্যাজ বিন উইথ আস ওয়াচিং অল মাই ইন্টারভিউজ মিডিয়া ইন্টারাকশনস। জেসে কি অভি আপনি কাহা কি অর্জুন সিং ने ये PIL दाखिल किया है कलकत्ता हाईकोर्ट में कि उनको अजान से तकलीफ़ हो रही है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अजान जो है वो होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 2, 3 या 4 मिनट का अजान होता है, ठीक है ना। तो अगर 4 मिनट का या 5 मिनट का अजान अगर 5 वक्त होता है तो दिन भर में 5 वक्त अजान होता है, तो 20 मिनट का अजान, ठीक है। लेकिन उनको तकलीफ़ है तो कुछ और लोगों को इससे फ़ायदा भी है। अब बताएं फ़ायदा क्या है। तो मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स हैं, बचपना के दोस्त हैं, जब उस टाइम में इतना जाति धर्म का राजनीति नहीं होता था, तो उस टाइम के हम लोग उस एरा के हम लोग हैं, 80s के हम लोग हैं, तो हमारे फ्रेंड्स का ये कहना है कि हम लोगों को अजान जो है, कभी कभी हम लोग का मोबाइल फ़ोन अगर अलार्म लगा कर हम लोग सुबह उठना चाहते हैं काम पर जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, गिरजा जाने के लिए, या हम लोग मंदिर गुरुद्वारा जाने के लिए, तो क्या है कि अजान जब होता है 4 बजे सुबह या 4:30 बजे सुबह या 5 बजे सुबह वक्त के अनुसार, तो वो अजान जो है उन लोगों के लिए अलार्म का भी काम करता है। कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए अजान जो है ये एक बहुत ही पवित्र चीज़ मानते हैं, और वो अजान को जो है उनके लिए अलार्म होता है, और अजान हम लोगों के लिए भी अलार्म है कि अब उठ जाओ और अल्लाह के सामने जाके झुको। तो अगर इस चीज़ से उन लोगों को अगर तकलीफ़ है, तो उनको इतना उनके जो मोदी जी हैं और अमित शाह हैं उनको फिर इतना मोहब्बत अगर हिंदू के मुस्लिम्स के माँ बहनों से है, जो उनको 3 तलाक उन्होंने हटाया, तो आज उनको यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्शन होना चाहिए अमित शाह को और मोदी जी को अर्जुन सिंह का ये स्टेप से। ये हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मैं कहना चाहूँगा, गुलाम रब्बानी आपका भाई आज सामने आया है ये कहने के लिए। जैसे मैंने सुना सुबह सुबह, तो मैंने कहा कि इसके लिए जो है आप लोगों का फ़ोन आया कि आपको इसके बारे में बोलना ज़रूरी है कि आवाम सुनना चाह रही है कि आपका क्या राय है इसमें। तो मेरी राय आप लोगों को ये है, मेरे भाई, मेरे सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी बौद्ध भाइयों जैन भाइयों को, सभी को मेरा ये मैसेज है कि ये अजान, मंदिर की घंटी, गुरुद्वारा का आवाज़, ये सब बहुत पवित्र चीज़ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेकर कोई खिलवाड़ करे तो ये काबिल तारीफ़ नहीं है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, मीन्स अनइमेजिनेबल। लेकिन ये कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो ये करने पर मजबूर करते हैं कि करना ज़रूरी है। अब करना क्यों ज़रूरी है ये बता दें। देखिए, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई क्रिमिनल नहीं है आज। लेकिन मैं आने वाले वक्त में जब मेरा कोई नया जन्म होगा, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं एक आने वाले वक्त में गुंडा बनूँ। मैं सोशल वर्कर और लोगों के सामने में खड़ा होकर उनके मानुष के सामने ना दाड़ी आई बोलबो कि मानुष के गोली करवा जो हमें नेक्स्ट बचर हमें भगवान बा अल्लाह हमें जीवित करो। क्यों जो गुंडा हब हमें अवश्य ही बीजेपी जॉइन करब और अवश्य हमें MP हब जमनी अर्जुन सिंह आज ओ बेसिक एटा कि आन फैमिली थे आज सबाई जानी और व्यवसा कि आज हमें सबाई जानी কিন্তু আমি এটাও বলতে পারবো ও বেসিকলি আছে একটা অ্যান্টি সোশ্যাল, একটা ক্রিমিনাল। আর বিজেপিতে একটা আমি জানি না ওদের রুলস রেগুলেশন কী আছে, একটা MP করবার জন্য কী কোয়ালিফিকেশান বা কোনো একটা জিনিস ওদেরকে দরকার আছে, কিন্তু এটা আমি বলতে পারবো কি যেমনি আমি আগে কিছুদিন আগে শুনেছিলাম কি আপনাকে যদি কোনো জিনিস বিক্রি করতে আপনি OLX যান, আর যদি আপনাকে ইমান বিক্রি করতে হয়, ধর্মটা বিক্রি করতে হয়, আপনি বিজেপি জয়েন করুন। আপনি যত ভালো গুন্ডা হবেন আপনি অত বড় পোস্ট হোল্ডার হবেন। এইবার আমি যেটা মনে করছি, ইয়ে হম মেরা সোচনা খুদ কা ইয়ে হ্যা কি ইয়ে অর্জুন সিং জো হ্যায় ইসকো MP বন কে আব উসকো বরদাশত নেই, উসকো MP বন গিয়া না কি আর MP বননে কে বাদ মে উসকো দিল কারে কি হম সেন্ট্রাল মিনিস্টার বনে। আব উনকো সেন্ট্রাল মিনিস্টার বননা হ্যায়, কোই মিনিস্ট্রি কা পোর্টফোলিও চাহিয়ে, তো অবভিয়াসলি সি বাত হ্যায় না ভাই কি আব উসকো আগার ইয়ে সব চিজ করনা হি হোগা। अजान से आज तक किसी को यहाँ तकलीफ नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ नहीं है, हमारे बंगाली भाइयों को तकलीफ नहीं है, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी बौद्ध जैन किसी को किसी इस तकलीफ नहीं है, खाली उन्हीं को तकलीफ है।
ये बात मानने वाली नहीं है। मेरे सारे मुसलमान भाई बहनों से, बड़े बुजुर्गों से ये मेरी गुजारिश है कि इन सब चीज़ों को एकदम ध्यान ना दें। जिस तरह से हम लोगों का अजान, जिस तरह से मंदिर का आवाज़, जिस तरह से हमारा फारसी लोगों का आवाज़, जिस तरह से हमारे बौद्ध भाइयों का आवाज़ जिस तरह बुलंद हो रहा है, उसी तरह से ये भी बुलंद चलते रहेगा। इन सब चीज़ों को जाति धर्म राजनीति करने वालों को एकदम ध्यान न दें। देखिए, बीजेपी चाइना को लेके खेल रही है क्योंकि उनका फायदा है। फायदा क्या है कि चाइना से जिस तरह का बिजनेस उनका होता था, अब चाइना कोरोना वायरस चाइना से सभी फैला है, वुहान से फैला, हम सभी जानते हैं। हमारा सब जानी चाइना थे कि हमारा कोरोना वायरस था, हमारा पे ही किंतु एक कोरोना वायरस था भारतवर्ष से ढुकलो की करे, भारतवर्ष होते चाइना कोरोना वायरस ढुकलो की करे अवश्य हमारे इंटरनेशनल फ्लाइट चालू छिल। আমরা নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে শুনলাম কি করোনা ভাইরাস আউটব্রেক হয়েছে চাইনাতে। চাইনা যখন আউটব্রেক হয়েছে তাহলে আমাদের উচিত ছিল কি আমরা সবাই সব ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট বেসিক্যালি ম্যাক্সিমাম আমরা চাইনা থেকে বন্ধ করব, সব ব্যবসা ওখান থেকে বন্ধ করব। না, বন্ধ করব না। কেন বন্ধ করব না ভাই? কেন আমরা ব্যবসা পাচ্ছি ওখান থেকে, চিপে মাল পাচ্ছি ওখান থেকে। এবার চিপে আপনি করোনা ভাইরাসও নিন, এই এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করেছে ওরা, আপনি ইম্পোর্ট করুন ওরা কিছু আপনি করেছেন তো। এবার ইম্পোর্ট করে থেকে হয়েছে এটা, এটা ইম্পোর্ট একদম হয়েছে যখন আমরা জানতে পেরেছিলাম কি থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি ফার্স্ট করোনা ভাইরাসের পেশেন্ট আমরা বেরিয়েছিল কেরালাতে। সেই সময় মোদিজিকে দরকার ছিল কি উইদিন ওয়ান উইক এটাকে বন্ধ করা, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটটা বন্ধ করা, উইদিন ওয়ান উইক লকডাউন করা উচিত ছিল, প্রপার ট্রিটমেন্ট প্রপার টেস্ট করা দরকার ছিল। কিন্তু আমি এটা জানতে পারলাম কি একটা আমাদের লোক আছে দিল্লিতে, ও আমাকে পাঠালো কি ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ডক্টর একটা অ্যাসোসিয়েশন, ও মোদিজিকে চিঠি লিখেছিল কি আপনারা আমাদেরকে প্রপার পিপিই কিট পাঠান। ওদের মুখে মুখে বলছে কি আপনারা রেইনকোট পরে কাজ করুন। আমরা উই শুড বি থ্যাঙ্কফুল টু করোনা ভাইরাস দ্যাট দে কেম টু ইন্ডিয়া, উই শুড বি থ্যাঙ্কফুল টু চাইনা দ্যাট আমরা এখানে করোনা ভাইরাস পেলাম। কেন? এই করোনা ভাইরাস যদি আজ পর্যন্ত এখানে ঢুকতো না তাহলে আমরা জানতে পারতাম না কি আমাদের মেডিকেল সিস্টেম কত কোলাপস করা গেছে, মেডিকেল সিস্টেম ফেলিয়ার আছে এখানে, আমাদের ইকোনমিক্যাল সিস্টেম ফেলিয়ার আছে এখানে। আমরা তিন মাস পর আমরা লকডাউন করছি এখানে, ঠাট্টা হচ্ছে এখানে, মোদি যে এখানে ঠাট্টা করছেন, মজাক করে ইন্ডিয়া ভারতবর্ষ কা ইনসান কে সাথ মে, ইয়ে ক্যা হ্যায়? আপ হিন্দুস্তান কা বিজনেস কো আপ বন্ধ কিয়া, চাইনা সে বন্ধ কিয়া, আপ পাকিস্তান কো জবাব দিয়া, বহুত আচ্ছা কাম কিয়া, আপ সার্জিক্যাল স্ট্রাইক কিয়া, আজ ইয়াহ কিউ নেই করা, আজ হামারা 20 জওয়ান কিউ মারা গিয়া, বেফুজুর উনকা জান কা কিমত নেই হ্যায়, আপ উনকা জান কা কিমত আদা কর সকেগা জিন্দগি মে? কবি নেই কর সকেগা। আপ খালি শোক সভা কর সকেগা, আপ খালি বড়া বড়া বাত কর সকেগা, আপ খালি মন কি বাত কর সকেগা। এক মন কি বাত করনে মে আপকা 8 সে 10 কারোড় রুপয়া খরচা হতা হ্যায়, 8 সে 10 কারোড় রুপয়া হামলোগা কিতনা, হামলোগা পাস কিতনা মাস্ক, কিতনা স্যানিটাইজার, কিতনা হামলোগা পিপিই কিটস, কিতনা হেড কভার, কিতনা ডক্টরস কো সহি তরিকে কা ট্রিটমেন্ট, পেশেন্ট কো সহি তরিকে কা ট্রিটমেন্ট, হামলোগা ভেন্টিলেটর কিতনা আ সকতা উসমে। লেকিন আপকো মন কি বাত করনা হ্যায়, আপকো প্রচার করনা হ্যায়, আপকো তো করোনা ভাইরাস আপকো বিরাসত মে মিল গিয়া, করোনা ভাইরাস মিল গিয়া, আব হামকো অর মৌকা মিল গিয়া কি হাম কেসে প্রচার কর সকেন। আপ আগর আপ আগর হিন্দুস্তান কে আওয়াম কে সামনে মে আপ দাঁড়া, আপ কবি উনকে সামনে সামনে আকে বোলা, আপ কবি প্রেস কনফারেন্স মে কবি আকে বোলা আপ মোদি জি? নেই, আপকা রিপ্রেজেন্টেটিভ জো হ্যায় ও আজ ভি পলিটিক্স করনে মে পিছে নেই হট রহা হ্যায়, অর্জুন সিং পলিটিক্স করনে মে পিছে নেই হট রহা হ্যায়, দিলীপ ঘোষ পলিটিক্স করনে মে পিছে নেই হট রহা হ্যায়। কিউ? ক্যুকি উনকো মালুম হ্যায় কি করোনা ভাইরাস জো হ্যায় উনকো এক বিরাসত মিল গিয়া হ্যায় পাবলিক কে সামনে জা কে পলিটিক্স করনে কা, হিন্দু মুসলিম কা পলিটিক্স করনে কা। পহলে আপকো ক্যা পলিটিক্স করনে মিল গিয়া করোনা ভাইরাস কে টাইম পে? আপকো জামাত কো বদনাম করনে কা, আপকো মোদি জি আপকো উসকো বদনাম করনে কা আপকো টাইম নেই মিলা। জো আহমেদাবাদ মে আপনে জো 70 লাখ আদমি কো রাস্তে মে খড়া কর দিয়া, আপনে মজাক উড়ায়া পুরা হিন্দুস্তান কা, হিন্দুস্তান মজাক কেসে উড়ায়া? আপনে 70 সে 80 লাখ লোগো কো আপনে রাস্তে মে খড়া কর দিয়া ট্রাম্প কো ওয়েলকাম করনে কে লিয়ে। ট্রাম্প দেখকর হাসতা হোগা কি আজ ইয়াহাঁ পর মে 70 সে 80 লাখ এক দিন মে আদমি বেকার পড়া হুয়া, জো আজ মেরা ওয়েলকাম করে 70 80 লাখ আদমি জো আজ রাস্তে মে খড়া হ্যায় আর হমকো ওয়াহাঁ পর ওয়েলকাম করনে কে লিয়ে খড়া হ্যায়। আপনে ইয়ে দিখায়া মোদি জি কি হামারে কিতনা ইয়াহাঁ পর মে বোল ওয়ালা হ্যায়, হামারে কিতনা অন্য ভক্ত ইয়াহাঁ পর মে হ্যায় জো আজ ভি আজ বেকারি কে টাইম পে, আজ যাহাঁ পর পেট্রোল কা দাম বাড় যা রহা হ্যায়, আজ যাহাঁ পর মে গ্যাস কা দাম বাড় যা রহা হ্যায়, আজ যাহাঁ পর হর এক ছোটো ছোটো চিজ কে লোক হামলোগ ইয়াহাঁ পরেশান হো রহে হ্যায়, মিডিল ক্লাস, আপার মিডিল ক্লাস, লোয়ার মিডিল ক্লাস, গরিব সে গরিব মারা যা রহা হ্যায়, অমীর আপকা অমীর বনতে যা রহা হ্যায়। ইয়ে পার্টি জো হ্যায় না, ইয়ে এক মল খোল কে বৈঠা হুয়া হ্যায়, ইসমে আও আকে আপনা এয়ারপোর্ট কো ভেজ দো, ইন্ডিয়া গেট কো ভেজ দো, আপনা বড়া বড়া কম্পানি কো বন্ধ করা দো, মিডিল ক্লাস কম্পানি তো ফ্লপ হো চুকা হ্যায়, আপ বতাইয়ে হিন্দুস্তান কিস কাগার তক পৌঁছা হুয়া হ্যায়, জিডিপি কহাঁ চলে গিয়া হম লোগো কা আজ বতাইয়ে হমকো আপ। লেকিন ইস চিজ কা জবাব আপকো আনে ওয়ালে ওয়াক্ত মে দেগা, আপকো আনে ওয়ালে ওয়াক্ত আনে ওয়ালে ওয়াক্ত মে পুরো হিন্দুস্তান কি আওয়াম আপকো জবাব দেগি, আপ জবাব নেই দিজিয়েগা, আপকো পুরো আনে ওয়ালে ওয়াক্ত মে পুরো হিন্দুস্তান আপকো আপকো ইসকা জবাব দেগা, জব আপকো ভোট মাঙ্গনে কে জব সামনে আয়েঙ্গে না,
जब आप वोट मांगने के सामने आएंगे तो आज का दिन आप लोगों को याद करवा के बताएगा कि आपने ट्रंप को कितने रुपए खर्चा करके आपने उनको सोने के चम्मच से, सोने के चांदी के चम्मच से आपने उनको खाना खिलाया, लेकिन हम लोग यहाँ पर बच्चा लोग भूखा मर रहा है, आपने एक तरह दूध से भी उनको पूछा, खाली बड़ा बड़ा बोली करते हैं आप कि भाई और बहनों मित्रों हाथ से नोटबंदी कर देंगे हम लोग। क्या करें नोटबंदी करके, आप कितना ब्लैक मनी को कितना व्हाइट कर दिए। ये पार्टी जो है ना, ये बीजेपी पार्टी, ये हम लोग सोचा था कि कुछ नया करेगा, कुछ आज नया करेगा, हिंदुस्तान को आज कुछ सुपर पावर बना कर देगा, लेकिन 56 इंच का सीना जो है आज सुकर के हो गया, 56 इंच का 56 सेंटीमीटर का हो गया। अब चाइना को जवाब दीजिए, दे सकेंगे आप नहीं दे सकेंगे। 20 जवान जो हमारे मारे गए उनका उनका जवाब कौन देगा, उनका मौत आपके सर पर लिखेगा, उनका बिल आपके ऊपर पड़ेगा। अर्जुन सिंह ये तुम सुन लो अच्छा तरीके से, जिस तरह से तुमने वहां कांकीनाड़ा में, भातपाड़ा में, तेलीपाड़ा में आग लगाया है, उसका जवाब तुमको उनको देना पड़ेगा। माफी मांगने की जरूरत नहीं उन लोगों से, वो लोग तुमको बताएंगे, तुम्हारी औकात तुमको याद दिलाएंगे कि तुमने किस तरह से अपने यहाँ पर तुमने आवाम को यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति में ठेल दिया। तुमको ये आने वाले वक्त में तुमको मालूम पड़ेगा, तुमने जिस तरह से ये कहा कि अब तुमको ये सेंट्रल मिनिस्टर बनना है, इसलिए सब कर रहा है कि हमारे हाथ जोड़ के मैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी बौद्ध जैन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अर्जुन सिंह के बात में एकदम ना जाएं। मुस्लिम भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे बड़े बुजुर्गों से ये कहना चाहूंगा, हम लोग जिस तरह से अजान को फॉलो कर रहे थे, जिस तरह से अजान हो रही थी, जिस तरह से मंदिरों में पूजा हो रही थी, सब कुछ होगा, लेकिन अभी जो हम लोग का लॉकडाउन यहाँ से फिर शुरू हुआ है तो इसको काइंडली पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बोलकर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, कम से कम मास्क को आप लोग पहने, ये अगर आप लोग करें तो इंशाल्लाह ताला रहमान आने वाले वक्त में भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो हम लोग कोरोना वायरस को जल्द से जल्द यहाँ से भगा देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा मेरे अंधभक्त भाइयों से कि अंधभक्ति छोड़ो, जो आप ये जो चश्मा लगा के बैठे हैं ना, उसको आप उतार के देखो कि एक नया हिंदुस्तान हम लोगों के सामने में खड़ा करना बहुत जरूरी है, और इन लोगों को यहाँ से झाड़ू मार के भगाने की जरूरत है, क्योंकि ये जब तक ये हमारे देश में इस तरह से जमकर बैठे रहेंगे तब तक ये देश को बर्बादी आप देख लें खुद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल करके देख लें, आप सर्च करके देख लें, आप इकोनॉमिस्ट से पूछ लें कि हमारा 1947 से लेकर अब तक का जीडीपी का रेट सबसे लोएस्ट कब है, इसी वक्त में लोएस्ट है, बिजनेस कोलैप्स हो चुका है। आप अगर देखें चाइना आज वापस से अपने जगह पे वापस आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या है कि कोरोना वायरस का पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप लोग जाति धर्म पर राजनीति करने में आपको चुपते नहीं है। आपके दिलीप घोष मुझे याद आ रहा है, मैं कहना चाहूंगा आपके मीडिया हजार से, क्योंकि आपका काम है सच्चाई को सामने लाना, झूठ को छुपाना, झूठ को सामने लाना, सच्चाई को भी सामने लाना, ये दोनों आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। दिलीप घोष का एक रैली होता है, उसमें एक पेशेंट का एम्बुलेंस को वहां अटका दिया जाता है कि पहले रैली होगा बाद में एम्बुलेंस को पार किया जाएगा। ये किस तरह का राजनीति आज यहाँ पे हो रहा है, इस तरह का हिंदुस्तान का सपना हम लोग कभी नहीं देखा था। आज जो आपके सामने बैठ के बात कर रहा है, ये एक आज नए जमाने का यूथ बैठ के बात कर रहा है, हम 1947 का यूथ नहीं है। हम लोगों को पुराना हिंदुस्तान वापस नहीं चाहिए। आज हम लोग को बताइए 75 साल हम लोग का हिंदुस्तान क्रॉस करने जा रहा है, तकरीबन 75 साल का हम लोग क्या डेवलपमेंट हुआ हम लोग बता दीजिए। आज आप हिंदुस्तान के आवाम के पास में आपने वादा किया था कि हम लोग 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है? आप 1 करोड़ नौकरी भी दिया, आप 10 लाख नौकरी भी दिया साल में, नहीं, बल्कि आप क्या मशवरा मोदी जी देते हैं कि ग्रेजुएट जो है वो जाकर पकड़ गए। आपकी स्मृति ईरानी कहती है हमने 80 करोड़ फैमिली को हम लोग ने राशन बांटा है। अब मुझे बताएं कि 80 करोड़, अगर एक फैमिली में कम से कम 4 लोग तो होते हैं मेरे भाई, अगर 4 लोग इंटू 80 करोड़ तो हम लोगों का कितना का पॉपुलेशन हो गया, 180 × 4 320 करोड़ का पॉपुलेशन है हम लोग का हिंदुस्तान का। हम लोग का हिंदुस्तान का पॉपुलेशन क्या 320 करोड़ है कि 130 करोड़ है? आपको तो मेरे भाई ये भी नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन कितना है, तो हिंदुस्तान का भलाई क्या कीजिएगा। मोदी जी अपने बयान में कहते हैं कि 6 करोड़ लोगों ने हमको वोट दिया, तो 6 करोड़ हिंदुस्तान में लोग हैं क्या? क्या चींटी मकौड़ों ने आपको वोट दिया है? क्या हवा से वोट उड़ा गिरा क्या? ये इसे सही समझ में आता है कि ईवीएम को भी एक मौका चाहिए कि कितना वोट बढ़ा के दिखाएं। हमको लगता है कि आपको 600 करोड़ वोट मिल गया तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि आपको 600 करोड़ इंसानों ने वोट दिया। मेरे भाई हम लोग हिंदुस्तान का जो अभी आज प्रेजेंट जो हम लोगों का पॉपुलेशन है वो 125 से 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, 600 करोड़ नहीं है। स्मृति ईरानी जी सुनिए आप मेरा बात, हम लोगों का पॉपुलेशन जो है 320 करोड़ नहीं है, हम लोगों का पॉपुलेशन जो है मैक्सिमम 125 से 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, इससे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। आप अपना नॉलेज को जरा ठीक करें। अर्जुन सिंह जी आपको मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको लोगों के सामने में अगर बड़ा बनना है तो आप पार्टी छोड़िए, कोई पार्टी आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बी ए नॉर्मल सोशल वर्कर। आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि सोशल वर्क करके लोग कितना इज्जत पा सकते हैं, कितना जिलत पा सकते हैं। आज जो आपने किया है वो जिलत के काबिल नहीं है। आप लोग पेशाब और आप लोग ये सब पीने वाले आदमी है, तो आप लोग क्या जानते हैं कि सोशल वर्क क्या होता है। कैमरा सद्दाम हुसैन, शौकत अली, रिपोर्ट 24 आवर्स टीवी, कोलकाता।